अच्छा आप लोग कह रहे हैं इसको नहीं करना चाहिए उनको करना चाहिए, भाई साहब दो डेट्स मैं आपको बताता हूं। एक डेट है शायद अगस्त 1975 की, हाँ, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पार्लियामेंट एनेक्स की इनॉग्रेशन की थी, ठीक है। दूसरी डेट है जहां तक मुझे याद आता है 1975 की 15 अगस्त 1987 में राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने पार्लियामेंट लाइब्रेरी की। तो आप मेरे को ये बताइए, आपको अगर संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल पढ़ने आते भी नहीं, इन्होंने दो तीन आर्टिकल गलत कोट किए हैं। जब मैंने उनको बोला, मैंने कहा एक वन आर्टिकल डील्स विद यू नो द सब्जेक्ट ऑफ गिविंग एन असेंट टू अ बिल, द अदर आर्टिकल डील्स विद समथिंग एल्स, तो उनको चुबा। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये नहीं वो नहीं, ये होमवर्क करते नहीं अपना। अपने समय में जो देखिए हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट में देयर इज अ डिफरेंस। अगर आपके हेड ऑफ गवर्नमेंट इनॉग्रेट कर सकते हैं पार्लियामेंट की एनेक्सी को और लाइब्रेरी को, तो हम इस समय के हेड ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकते? सिंपल इज दैट। मुझे लगता है कि ये दिस वॉज अ वेरी पुअर अटेम्प्ट एट क्रिएटिंग ए डाइवर्जन। हाँ जी, नहीं नहीं, वो सोनिया जी की तो मतलब शी इज इन देयर टाइम शी वॉज हायर देन दी हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट, वो तो उसकी उनकी अलग बात है। वो तो गई थी, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ वो कहां गई थी, चेन्नई गई थी शायद, वहां पे भी उन्होंने कुछ मैं उसमें नहीं पढ़ रहा। देखिए मैं समझता हूं, मुझे तो इस मंत्रालय के साथ जुड़े हुए कोई 6 साल हो गए। मैं समझता हूं, मैं अब देख रहा हूं देश में कोई 600 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इनके नेताओं के नाम पे हैं। हमारे यहां तो कुछ ऐसा नहीं होता। अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो ये प्रधानमंत्री है, किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं होता है। तो इसलिए ये है, तो ये पार्लियामेंट हो गया। कोई और प्रायोरिटी है आपके पास? थैंक यू। थैंक यू।